क्लास 2 के योशिदा ने मेरे से इजहार किया। बिल्कुल नहीं बेहुदा। और फिर ऑनलाइन बुरा। अबे कहाँ फेंक रहा है बे बुद्धू। लीडिंग में रुक गया ये जान के नहीं क्या गांडू। सॉरी लगी तो नहीं। हाँ मैं ठीक हूँ। तुम पढ़ रहे थे? हाँ फ्रेंड्स ऑफ पर्शियन युद्ध के बारे में। बस अभी नेपोलियन की ठहराव के बाद पेरिस की घेराबंदी, मिनिस्टर का करीबी गेमेता प्लान कर रहा है। तुम्हें परवाह नहीं है ना? तो इतना ही है। कहाँ है? हाँ जियोनो-सान। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये तुम्हारा है मामूरो-कुन क्यों है ना? हाँ, शुक्रिया। ये है एक शील्ड। ये चुनौती है। सेबेस्टियन ले प्रेतेस्त्रो देवोम। सैनिक के नाते उन्होंने लुई 16 का ख्याल रखते हुए 150 किलोमीटर की लाइन बनाई और 53 किलोमीटर की घेराबंदी करी। आया! मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। गौरी मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम कभी इतना लेट नहीं आई हो। मुझे चिंता हो रही थी। मैं सोच रही थी कि तुम किसी घटना में तो नहीं फंस गई। बुद्धू हंसो मत। सॉरी लेकिन ये फनी है। ओहो यो यामासाकी तुमने ये क्या पहना हुआ है? देखो मत तुम लोग मेरी मॉर्निंग ट्रेनिंग थी। इसके लिए इतना सुबह अच्छा नहीं है। ओए तुम क्या देख रहे हो? हाँ तुम थरकियो दूर हो जाओ यहाँ से। किसी को मुझ में दिलचस्पी नहीं। हालांकि एक जगह है जहां लोग मेरी बातें सुनेंगे। चैट जहां पे सारे ऐतिहासिक लवर जमा होते हैं और इनमें 60 साल के लोग हुआ करते हैं। तुम इस चीज को आसान नहीं कह सकते। हे जवान लोगों की दिक्कतों के मजे मत लो। जियो नायासान मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करता हूँ। ओनीचा वो अंदर आने से पहले नॉक किया करो। हमारे पड़ोसी सियोनो-सान। क्या वो जाने वाली है? कैसे वो कब जाएगी? गर्मियों की छुट्टी के फर्स्ट दिन। अगले हफ्ते? क्यों? बड़ों की चीजें। ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हें सब कुछ पता है। कांग्रेसमैन को क्या करना, यकीनन बड़ों की चीजें हैं। खैर मैं जानता हूँ कि जियोनो को पहले ही काउंसलर तय कर लिया गया है, लेकिन ये बहुत जल्दी है। मैं उसे अब कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा। और उसका बर्थडे अगले हफ्ते है और साथ ही मैं उसका तोहफा भी लाया हूं। मैं जा रहा हूँ। मेरे से जबान मत लड़ाओ। ये कांग्रेसमैन की जॉब है, एक्सेप्ट करो। आप चाहते हैं कि मैं टोक्यो जाऊँ और ऐसा दिखाऊँ कि मुझे इससे प्यार है? मैं ऐसा नहीं कर सकती। बच्चों से ऐसा बर्ताव मत करो। तुम्हारे पहने हुए कपड़े कौन लाया है? शिकायत मत करो जब तक तुम मेरे दिए हुए पैसों पर ऐश कर रही हो। बड़ी हो जाओ आया। पागल कहीं की। मॉर्निंग चलो चले। पागल कहीं की। ओ जवानी। चलो। बहुत समय हो गया हमारा ऐसे साथ चले हुए। क्या तुमने सुना? मैं जा रही हूँ। अचानक से? मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे डैड ने तय कर लिया है। मेरा एक रिश्तेदार है जो कि टोक्यो असेंबली के मेंबर है और रिटायर होने वाले हैं। तो उन्होंने मेरे डैड को कॉल किया था। मेरे डैड उनको लेके बहुत उत्साहित है और मुझे सुनना भी नहीं चाहते। यहाँ इस टाउन में कुछ नहीं बचा है, लेकिन मुझे यहाँ रहना पसंद है। मेरी बचपन से यहाँ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। मैं किसी से भी अलग नहीं होना चाहती। कम से कम मैं अपना 17वां जन्मदिन इसी शहर में मनाना चाहती हूँ।
तुम नहीं ए? तुम नहीं जा सकती टोकियो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा बर्थडे मनाना चाहता हूँ। लेकिन बड़ों की चीजें या जो हो तो चलो भाग चलते हैं कहीं जहाँ जहाँ तुम्हें बड़े ढूंढ ना पाए। चियोनो-सान, मैं हमेशा से सच में मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी यही सोच रही थी। है? मेरे जन्मदिन तक चलो सब भाग चले, हमारा 7 दिन का बर्थडे कैंप। हिस्सा लेने वाले मेंबर्स मेरे बेस्ट फ्रेंड है यामासाकी काओरी। मस्त लगता है। उगाता कौन भी आना चाहता है। आकाशुकी साकी चांद भी साथ है। चलो सब लोग आयसेन के बर्थडे पर पूरा दम लगा देते हैं। मामुरकुन, चियोनो-सान, सब लोग कहाँ हैं? वो आगे निकल गए। मैं अभी आया हूँ। मैं तुम्हारे डैड का कार्ड वापस करता हूँ। मैं टिकट लाया हूँ लिमिटेड एक्सप्रेस की सपोरो के लिए। तो चीज़ों योनो-सान, तुम्हारी डैड सोचेंगे कि तुम सपोरो गई हो। मैं किसी बंद जगह को ढूंढ रहा था। मैं नहीं जानती थी कि तुम बुरे बंदे हो मामुरकुन। हाँ, ऐसे फ्रॉड करना। ऑपरेशन ओवरलॉर्ड, लैंडिंग साइट के जर्मन से छुपाने के लिए सभी सेना ने झूठे पेज पर एक जगह भेजने का फैसला किया। क्या ये तुम्हारा संकेत था? हाँ मामू रुकुन, तुम हमेशा बुक पढ़ते रहते हो। या तुम ठीक हो? ठीक हूँ। शानदार। सातोमी कोयला फैक्ट्री, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। शोवा पीरियड के 3rd दशक में गोल्डन एज में पूरी सातोमी जो जिंदा थी, माइनिंग को हिसे युग में रोक दिया गया और तुम इसे अब टाउन के एक देखने की जगह में देख सकते हो, लेकिन इसका कुछ समय पहले ही बंद कर दिया गया। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। यही है जो टाउन को नई चीजें देने के लिए है। तुम आखिर यहाँ आ गए। हे सुजुहारा, तुम्हारे पास अकेले जाने का जोश है ना? बड़े धीरे हो तुम। साकी-चान, तुम्हारे बाल सुंदर लग रहे हैं। है ना? तुम्हारे उनको टक्कर देने का जश्न बनाने के लिए आया चैन। रुक जाओ, देखो मैं सबसे ज्यादा सामान अंदर लाया हूँ। चलो चले, अभी हम अंदर नहीं गए है। हे सुजुहारा, हाँ उधर रखे हुए बाकी के सामान उठा कर ले आओ जाके। उम्मीद है इससे दिक्कत नहीं होगी। मामुरकुन, मैं मदद करूं? सब ठीक है, सब ठीक है आया। हाँ चलो, उसको ये काम अकेले करने दो। होंजो-कुन,
सियोनो। मैंने उनको इनवाइट किया। मेरे को मेरी इच्छा के खिलाफ लाया गया है। यहाँ कुछ है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। क्या तुम इजहार की उम्मीद कर रहे थे? बेवकूफ। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। माफ करना आया चैन, मुझे लगा मैं कुछ नहीं करूँगी तो हीरो कुन किताबी कीड़ा बन जाएगा। हमारी दोस्ती किंडरगार्टन से शुरू हुई थी। ये मेरे लिए ठीक है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि चियोनो ऐसी पागलपंती करेगी। इस उम्र में तुम्हारा भाग जाना, क्या तुम्हारे डैड तुमसे गुस्सा नहीं होंगे? ये भाग जाना नहीं है, इसको कहते हैं एडवेंचर। छोटी बच्ची हो क्या? क्या तुम बड़ी हो? अरे यार जल्दी करो और अंदर देखो ना, लगता है जल्दी ही मिस्टर लॉयर पढ़ाई में बिजी हो जाएंगे। तुम कमरों की लिस्ट लेकर आओगे? हाँ, सियोनो आया। क्या आप कंफर्म करोगे? ये 10:05 की है सब पुरो के लिए। बेहतर होगा ढूंढ लो इससे पहले यह जनता में फैले। बहुत बढ़िया, निकलने के दिन भाग जाना उसके डैड का कार्ड इस्तेमाल करके। तुम्हारी बेटी मुझे सच में हौसले से भरी लगती है। शिमियामा सेंसे पावर को अपनी फैमिली में रखना चाहते हैं रिटायरमेंट के बाद भी। मैं ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहता। होंदा, तुम भी हमारी मदद करो। आया को बड़ा होने की जरूरत है। मैं जहां भी जाता हूँ शर्मिंदगी नहीं होती, उसे एक अच्छी बड़ी बनने की जरूरत है। एक अच्छी बड़ी दिखती कैसी है गुरुजी? कोई जो हमेशा बिना बोले अपने बड़ों का कहना माने, पालन करे। हाँ, मैं कैंप साइट पर जा रहा हूँ तो मैं अपना फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर पाऊँगा। मैं जानता हूँ। हाँ, बाय। ठीक है, अब ये भी डन। मोमोचिन, तुम अच्छे लड़के हो। मैं अच्छा लड़का नहीं कहूँगा। hey, तुम अच्छे लड़के हो। ओके, तुम पढ़ाई में अच्छे हो। यार मुझे जलन होती है तुमसे। मैं सोचता हूँ तुम्हें ओगाता कुन या अकात्सु कुन से ज़्यादा जलना चाहिए। हाँ? तुम क्लास के बीच में रोशनी हो। मैं तो लोगों से ज्यादा बात भी नहीं करता। क्या मोमोजिन, ये गहरा था। क्या बात है सोमा? कुछ नहीं। ओए, तुम यहाँ के क्यों नहीं बैठते? नहीं, मैं खाने के बाद घर चला जाऊंगा। ठीक है, ये लो। ओ, शुक्रिया। तुम्हारी फैमिली कैसी है मामुरोकुन? वो ठीक है। रिन भी बिल्कुल ठीक है। काउरी,
मैं नीचे से कुछ स्नैक्स लेके आती हूँ। सुजुहारा-कुन, चलो मेरे साथ। यहाँ सच में बहुत अंधेरा है ना? लेकिन अगर हमने लाइट्स ऑन करी तो हमें कोई ढूंढ लेगा। हे, तो तुम्हें आया पसंद है ना? कैसे? तो ऐसा है, जब तुमने आया को भागने बोला, तुम चाहते थे सिर्फ तुम दोनों हो। नहीं, मैं आया भोली लड़की है, तुम जानते हो। अगर तुमने कुछ भी अजीब किया, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझे यकीन नहीं है। हम एक दूसरे के हमेशा साथ रहे हैं। डैड ने बोला मैं हमेशा उसको देखता रहता हूँ। किंडरगार्टन्स में हम हमेशा साथ में स्टार फेरीज खेलते थे। एलिमेंट्री स्कूल में हमेशा साथ में पेट्स रखते थे। यहाँ तक कि मिडिल स्कूल में भी जब मैं बुक्स लेना चाहता था, चियोनो-सान हमेशा मेरे साथ उधर रहती थी। उसको पियानो पसंद है लेकिन कीड़ो से नफरत है। वो बहुत ईमानदार है। मैं भी ये सब जानती हूँ। छोड़ो, अगर तुमने उसको रुलाया ना तो मैं तुम्हें माफ बिल्कुल भी नहीं करूंगी। इतना काफी है। रुको, भले ही तुम ये कह ले। वो क्या है? ओ, क्या हुआ? बिल्कुल नहीं, इस फैक्ट्री में यहाँ हमारे सिवा भी कोई है? कोई और भी है? कोई पुराना घर छोड़ा बंदा? अगर वो फ्रेंडली है तो उन्होंने खाना क्यों चुराया? क्या हम पुलिस को बुलाएं? बेवकूफ, अगर तुमने ये किया तो हमें भी धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। बेवकूफ, चिल्लाओ मत क्रिमिनल। शांत हो जाओ गाटा-कुन। लेकिन उस बंदे ने शुरू किया। मैं जानता था रोशनी जो हमने नीचे देखी थी। फालतू हरकत मत करो, यहाँ कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं है। चलो चलें। हाँ। अभी ऑन मत करो। हाँ। मैं भी क्यों? क्योंकि तुम एक लड़के हो। हे सुजुहारा, बता भी दो तुम्हें इनमें से कौन पसंद है? हैं? तुम ऐसे समय पर भी लड़कियों की बात कर रहे हो? अगर हम बात नहीं करेंगे तो ये डरावना लगेगा। तो बता भी दे कौन है वो? कोई नहीं, सच में। हाँ? ओ! उधर। हे रुको, उधर कोई था, वो अब पीछा कर रहा है। कहते हैं करो ना तुम। कुत्ते के पिल्ले छोड़ दे। क्या चल रहा है? तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो यार, ये क्यों? तुम्हें आखिर हुआ क्या है? ऐसा मत करो, वो सिर्फ एक बच्चा ही है। है तो सुजुहारा। रुक जा, यहाँ से बिल्कुल भी मत हिलना बच्चों। वो हमें पकड़ लेंगे। तुम भाग नहीं सकते। तुम कौन हो? मैं हूँ मालत, और तुम?
गलत तरीके से रहे ना। तो वो दोनों इमिग्रेशन ब्यूरो से थे और वो तुम्हें यहाँ पे पकड़ने आए थे, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा। तो क्या हम लोग बुरे बंदे नहीं हुए? तो तुम क्या कर रहे हो, बड़ों के खिलाफ नहीं जा रहे क्या? तुम ऐसी जगह पर आखिर क्यों रह रहे हो? जब तुम ऊपर चढ़ते हो तब तुम यहाँ से अपार्टमेंट के नीचे तक देख सकते हो। हाँ? पिछले महीने उस अपार्टमेंट में एक थाई फैमिली को गलत तरीके से रहते हुए पाया गया था। न्यूज़ तो पढ़ो बेवकूफ। जब मैं यहाँ से निकल रहा था मैं अपने फैमिली से अलग हो गया। जब तक उन्हें पकड़ नहीं लिया जाता मेरे पेरेंट्स मेरे लिए वापस जरूर आएंगे। तो तुम यहाँ से देख रहे थे? लेकिन क्या होगा अगर तुम पकड़े गए? हीरोकुन, घर जा रहा हूँ। हाँ? तुम एक क्रिमिनल का साथ देने से क्रिमिनल के साथ ही बन जाओगे। मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। सोमा, ये खतरनाक हो सकता है। रुको, हे, तुम भी भाग जाओ, मैं यहाँ पहले आया था। तुम अपने मॉम डैड के बारे में बात क्यों नहीं करते? शायद हम लोग उनको ढूंढने में मदद कर पाए। आया, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम्हें पता है ना हम यहाँ ये सब करने के लिए नहीं आए थे। लेकिन ये बुरा है, यहाँ पे कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो कि अपने मॉम डैड से दूर होना चाहता हो। बड़े लोग झूठे होते हैं, हमेशा अजीब चेहरे बना के झूठ बोलते रहते हैं। पेमेंट या सैलरी सब झूठ है। अब अगर घर नहीं जा सकते तो सब काम करेंगे। तुम सब भी ऐसे ही हो। मैं अपने मॉम डैड को अकेले ही ढूंढ लूंगा। ये अच्छा नहीं है, दरवाजा खुल नहीं रहा है। तो ख्याल रखना, मैंने ऑफिस से साथी बुलाए हैं, हम इसको कल पूरा करेंगे। क्या तुमने सुना? डटी लो, सोचना मत कि तुम भाग सकते हो। हम यहाँ फंस गए हैं, इन्होंने और भी साथी बुलाए हैं। ये कोई मजाक नहीं है, अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो क्रिमिनल बन जाऊंगा। मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा और अपने घर चला जाऊंगा। वो ऐसे लोग तो बिल्कुल भी नहीं है जिनके साथ बात करने पे ये ठीक हो जाएगा। और जैसे हम यहाँ पर फंसे हैं और तुम इसके गुनेगार भी बन चुके हो हीरोकुन। तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो मिस्टर लॉयर। तुम क्या हो गया? मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ उन लोगों के और मेल्ट के बारे में। ज्यादा दबाई मत मचाना। हम ध्यान रखेंगे। वो एक हमने इसको कल रात बंद किया था लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि ये अंदर से बंद है। हे, हम इसको इस बड़े के साथ उड़ा सकते हैं। हम होकाइडो इमिग्रेशन सर्विसेज एजेंसी के लोग हैं। इस बिल्डिंग के लिए एक वारंट निकाला गया है क्योंकि यहाँ कानूनी जांच के बीच में दखल दी गई है। जांच में दखल देना और यहाँ बिना अनुमति के आना जाना बिल्कुल ही मना है। 9:17 पर ऑपरेशन शुरू। हाँ। ये नहीं होगा, ये अंदर से जुड़ा है। प्रभाव करने के लिए गुड लक ले को। तुमने आके ये सब चीजें सीखी कहाँ से? मैरिज के लिए प्रैक्टिस। अगर ये डोर नहीं खुल रहा दाते हरस्ता नेडोर। ये नहीं पहुंच पाएगा, मुझे परवाह नहीं।
जाओ, बड़ों के साथ मत खेलो किडो। जाओ, ओ तेरी यार। अरे बाप रे। दो ईस्ट की तरफ से आ रहे हैं। ये काम कर गया। बेशक। बहुत दूर प्लान को देखते हुए सभी पोजीशन में है। बस टाइमिंग देखो और ये कुछ नहीं। एक लड़की रसन। अच्छा लग रहा है, ये एयरगन मस्त काम करती है। कोयले की खदान में कोई धमाका हो सकता है, तो हमने कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल किया बिजली के बजाय। मेरा मजाक मत बनाओ। मोमोचिन, बहुत प्यारा है। ध्यान दो। मैं जानती हूँ। बिल्कुल नहीं। ओए, ओए, बंद कर। रुको, मैं गिर जाऊंगा। मस्त, वो सेकंड है। मेरे को नीचे उतारो। कुत्ते कुत्ते क्या ले कुतिया, मेरे को नीचे उतार। दफ्तर की मोहितसन, हमने कर दिखाया। हम यहाँ बस गलत तरीके से रहने वाले के लिए आए हैं। हमारी बात मानो और बच्चा इधर दो। सही हुआ तुम्हारे साथ। तुम कीड़े कुछ ज्यादा उड़ रहे थे। ये मत सोचो कि तुम आसान जिंदगी जी पाओगे। अगर तुम गलत तरीके से रहने वाले को दे दो, तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। मामा
बिल्कुल नहीं। क्या ये? निकल जाओ। चियोनो-सान। मैंने सारे गैस टैंक खोल दिए हैं। अगर तुम लोग पीछे नहीं हटे तो मैं पूरी जगह उड़ा दूंगी। तुम मेरे से मजाक कर रही हो? क्या ये सच है? मैं नहीं जानता कोयला गैस बिना किसी रंग का होता है, लेकिन शायद ये धोखा है। हालांकि यहाँ धमाके का खतरा जरूर है। पीछे हट जाओ, उनको उकसाओ मत। क्या तुम सीरियस हो? झूठे धमाके की चाल। चलो इस कोयला फैक्ट्री की चीजों का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। तुम उनका फोन और बड़े स्पीकर से फंसा सकते हो। क्या ये काम करेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। साथी, ये मेरा स्पीकर से, उसको हाथ मत लगाना। सॉरी। आया गौरी। आया। मैं बहुत डर गई थी। क्या तुमने उसको इस नकली धमाकों को अंजाम देने के लिए बोला? मैंने कुछ नहीं किया है। जैसा कि मैंने कल कहा था, चियोनो-सान ठीक पीछा कर रहे थे। ये बहुत असली था, मैंने भी कुछ सेकंड के लिए मान ही लिया था। मैंने भी। चियोनो-सान सच में अच्छी एक्टिंग करती है। चीयर्स! चीयर्स! हम बहुत शानदार है ना? मैंने नहीं सोचा था ये इतना आराम से हो जाएगा। तुम्हारे लिए चीयर्स आया। मैंने तो बस मामुरो-कुन के प्लान को अंजाम दिया। हाँ बिल्कुल, सबसे ज्यादा मुश्किल काम तो सुजुहारा ने ही किया। मैं तुम्हारे प्लान से इम्प्रेस हुआ। शुक्रिया, लेकिन ओगाता-कुन ने भी। सोमा, बस मेरे को सोमा बुलाओ। मामुरो। ठीक है सोमा-कुन। कुन मत लगाओ अब इसमें। अच्छा काम किया मैंने तुम लोगों को, धीमा कर दिया। तुम क्या कह रहे हो हीरो-कुन? तुमने अपना बेस्ट दिया। ये अमासुदारे की तरफ से है। अमासुदारे? हमारे चैट की दादी माँ, वो पास ही नायू में रहती है। नानियो सिटी? वो क्या है? उधर एक थाई टाउन है जहाँ हमें जापान में थाई लोगों की जानकारी मिल सकती है। तुम उधर पूछ सकते हो तुम्हारे मॉम डैड के बारे में मालूम। हाँ। समय पर तुम्हें कहना चाहिए शुक्रिया। पहली बात, ये तुम्हारी गलती है कि मैं इस मुसीबत में पड़ा। कम से कम तुम ये तो कर सकते हो। हे बच्चे मत बनो जो शुक्रिया भी नहीं बोल सकते। लेकिन अभी क्या, वो कल दोबारा जरूर वापस आएंगे। चिंता मत करो, मामुरो-सान से अगले स्ट्रेटेजी का सोच ही लेगा। हाँ? आखिर ग्रुप में अब क्या हुआ है? लोकल कांग्रेसमैन जिन्होंने उस दिन रिजाइन किया था, और मजदूर जो उसके लिए काम करते थे। ओ आया, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम इतनी पास छुपी होगी। मुझे नहीं पता था वह नकली कार्ड का इस्तेमाल करके भाग जाएगी। सेंसे, आपको हमारे बंदे क्यों चाहिए? मेरे को नियुक्त किया जाएगा। मैं हिकाइडो पुलिस से कुछ लेना देना नहीं चाहता। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, क्या तुम मदद करोगे? लेकिन क्या तुम्हें परवाह नहीं अगले टेंडर में क्या होगा? हम सब यहाँ एक जरूरी पब्लिक वर्क के लिए हैं, है ना? बिल्कुल। मेरे पास नियुक्त करने का एक अच्छा मौका है, तुम्हें इसके साथ सौदा करना होगा मेरे लिए। ठीक है। जनता में इसका ढिंढोरा मत पीटना, मेरी बेटी भाग गई है, ये टोक्यो असेंबली के सभा को कैसे इफेक्ट करेगा? वो क्या है? माफ करना, बूजनेट न्यूज। सब यहाँ फैक्ट्री देखने आए हैं। बस नेट न्यूज। एक लड़की।
दाते अरसन! मेरे को नीचे उतारो कुत्ते कुत्ते! क्या ले कुतिया? मेरे को नीचे उतार! ये वीडियो कल रात छोड़ी गई और ये रातों रात हिट हो गई। सभी यहाँ फैक्ट्री देखने आए हैं। क्या आप सब यहाँ ये देखने आए हैं? क्या वो तुम्हारे पीछे? चलो, जल्दी। बस अभी क्या वो चयन हिडियो था? वो यहाँ क्या कर रहा है? देखो वो वापस चले गए। क्यों? अगर जनता यहाँ ध्यान देती है तो वो यहाँ पे ज्यादा गुस्सा नहीं कर सकते। मोमोजिन, तुम्हें रूनिटी पसंद है? फ्रेंच आर्मी इस्तेमाल किया। बस अब बहुत हुआ। ये काफी लंबा लगता है वैसे। हे, ये देखो, बहुत फनी है। वो क्या था? खुद को रोक लिया। ये कमाल का है होकाइडो में। इसका मतलब क्या बना? मैं पढ़ नहीं सकता। क्या ये थाई में है? इसका मतलब मैलेट ठीक है? ये मैलेट कौन है? मैं नहीं जानता। इसे आजादी का एरिया बोला जाता है। सातों में चौ में चल क्या रहा है? ये सच में काफी इंटरेस्टिंग लगता है। कोई तो मेरे को और बताओ ना प्लीज। ऐसा लगता है कि अभी भी फैक्ट्री बच्चों के कब्जे में है। ये सच में वायरल हो गया। क्या उन्हें जनता का साथ मिला? ये बस कुछ समय की बात है जब पुलिस चाल चलेगी, मतलब काफी दिक्कतें आने वाली हैं। मैं पहले ही जानता हूँ। शिबाया सेंसेई, बहुत समय हो गया आपने मुझे कॉल किया। तुम्हारा यहाँ ना होने का क्या कारण है? जिस डेट हमने माना था निकल चुका है। जैसा कि मैंने तुम्हें मेरे सक्सेसर में चुना है, ये मेरे बारे में भी है। बाकी चीजों को छोड़ो, समझ गए? हाँ हाँ, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, माफ करना मुझे। तुम क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। ए, हाँ, मैंने शायद एक एंट्रेंस ढूंढ लिया जिसको शायद अभी तक किसी ने नहीं देखा। सुदारेसान, क्या मैं आमा सुदारेसान, तुम कितने साल की हो? क्या ये तामासे दारुसान है? चियोनो-सान, मैं भी अभी एक न्यूज़ बन गया होता। सॉरी, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, ज़्यादा खुश हूँ। खुश? खैर, या मूवी? हाँ? तो वो मालेट साबादी, मैं सोच रहा हूँ क्या मैलेट के मॉम डैड को पता लग गया होगा, लेकिन मुझे ये सब ठीक लग रहा है। हमेशा की तरह शानदार मामूरकुन। जियोनो-सान, हा? मैं Thank you.
अभी तक सोए नहीं? डैड और मॉम शायद आ जाए आधी रात में। तो तुम पिछले साल जापान में आए थे? हाँ, हमने सुना था यहाँ पे अच्छे जॉब्स हैं, पर वो सब झूठ था। डैड और मॉम ने भी बहुत संघर्ष किया। ये टाउन, हाँ, कोई भी यहाँ जॉब नहीं ढूंढ पाया, तो वो लोग सब सिटी में चले गए। तुम भी? क्या तुम्हारे मॉम डैड ने भी जॉब ढूंढने में संघर्ष किया? नहीं, संघर्ष नहीं किया, बिल्कुल नहीं, ये बेहुदा है। मेरे मॉम डैड बेहुदा नहीं है। माफ करना, तुम्हारी भी कुछ चीजें चल रही है। खैर, मैं सच में इससे तंग आ चुकी हूँ। सातोमी कोल फैक्ट्री के नीचे, यहाँ तक कि आज भी पुरानी सुरंग चौंती के घोंसलों तक फैली हुई है। वैसे अगर हम यहां से तोड़े तो हम भीड़ को चकमा देकर अंदर जा सकते हैं, लेकिन हम नहीं जा सकते, शायद ये ब्लॉक है। माइनिंग बहुत सालों से रुकी हुई है, सारे के सारे होल से ढक चुके हैं। तो इसका मतलब सुरंग से बाहर भागने का कोई रास्ता नहीं। हम जानते हैं कि टावर के ऊपर की चरखी अच्छे से काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं, नीचे सुरंग में एलिवेटर अच्छा काम करता होगा। यामासाकी, अंदर आओ। बस मत कर। इसमें कोई गप नहीं, तुम नहीं जा पाओगे, खासकर अगर लिफ्ट काम कर रही है। गुरु, ये देख अभी भी बहुत खतरनाक है। यामासाकी, तुम्हारी बेटी जो भागी थी वो भी तो अंदर है ना? क्या तुम्हारी बेटी नहीं जिसने आया ऑफिस में धोखे से घसीटा? सेंसेई, बच्चों की गलती के जिम्मेदार माता पिता होते हैं, तुम जानते हो इसका मतलब क्या है, है ना? जाओ। बेवकूफ, पीछे से पकड़ो उसे। मुझे बेवकूफ मत कहो बेवकूफ। अरे यार, ये सूजी हारा, इसके दिमाग में कितनी बेहुदा सोच है। सच में यकीन नहीं होता, क्या उसने ये भी बुक में पढ़ा? लेकिन समझदारी की बात करें तो मैं सोचती हूँ हीरो को नंबर वन है, तुम बस तुम्हारी समझदारी में पॉइंट डालो। बेवकूफ, तुमने दोबारा मुझे बेवकूफ कहा? मैं खुद की साइड से नफरत करता हूँ। हे, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? क्या तुम सच नहीं हो कपड़े और कोयले का स्टॉक? ये रोड भयानक है, तुम लोगों को मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं। जा किसान, मैं तुम्हें अकेला कैसे जाने दे सकता हूँ? वो बुड्ढा तो पूरा बेवकूफ है, गधा कहीं का। बिल्कुल। हम उसके पार कैसे जाएंगे? जब तुम केज को नीचे लाते हो तो दूसरी तरफ का ऊपर जाता है। बॉस, आपको तो बहुत कुछ पता है। हाँ, क्योंकि मैं यहाँ काम करता था। हे, क्या तुमने अभी वो सुना? मामोरू, वो तुम अजीब हो, तुमने कल से बहुत कम बात की है। क्या आयतों के साथ कुछ हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें यकीन है? और मेल्ट, पहले तुम ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों हो? मामोरू कौन? हे, रुको मामोरू। मैंने कहा रुको, मैंने नीचे से आवाज सुनी थी। क्या मतलब है तुम्हारा? धत, अगर ये पहले वाले बंदे हैं। उधर देखो, वो सेंसे की बेटी है। गौरी,
मैं आखिर क्या करूं? ये मेरी गलती है। शांत हो जाओ। तुम तो बहुत स्मार्ट हो ना, कुछ सोचो जल्दी से। फालतू बातें मत करो। चलो केज का इस्तेमाल करके भागे। वो ऊपर आ गए तो हम नीचे जा सकते हैं। लेकिन कंट्रोल रूम में है। मैं कुछ करती हूँ। गौरी। हेलो। धत तेरी की। ए जैकी सान। चलो जल्दी रुक जाओ। ये खतरनाक है। हीरो कौन? सब लोग यहाँ क्यों हैं? ये मेरी लाइन है गौरी चान। कुरटा बॉस ज़ाकी-सान वो यहाँ है गौरी चान। पापा संजय की बेटी नीचे गई है, उसके पीछे जाओ। मैं ठीक हूँ। क्या होगा अगर जगह बदल कर वो ऊपर आ गए? हाँ, मैं केज को आधे रास्ते में ही रोक दूंगा। अगर वो वहाँ है तो मुझे सिग्नल देना। नीचे करना है डैश डॉट डॉट, ऊपर करना है डॉट डॉट डैश। ठीक है। तो ये तुम्हारे दोस्त के साथ ट्रिप नहीं थी? क्या चल रहा है गौरी? ये थी दोस्त जो आया है। गौरी ऐसा तो मुझ पर छोड़ दो और तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। क्या कहा आपने? आया के बारे में क्या कहा? अगर वो दो दिन में टोक्यो नहीं गए, चियोन और सेंसे अपनी जॉब का मौका खो देंगे। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना है गौरी, क्योंकि तुम्हें उसकी बेटी के बहुत करीब जाना था। रुक जाओ। मामा जल्दी छुप जाओ, कोई आ रहा है। सब पकड़े गए, ये मेरी गलती है। मैं पकड़ा नहीं जाना चाहता। अगर मैं यहाँ पे पकड़ा गया तो मैं अपने मॉम डैड से कभी नहीं मिल पाऊंगा। हे चुप करो, मैं ये नहीं कर सकता। मैं ये शुरू से जानता था मामा, लेकिन मैं गलत था। मैं बहुत बेकार। क्या तुमने नहीं बोला था तुम कुछ करोगे? मैं एक बेवकूफ था। झूठे! तुम भी बाकियों की तरह झूठे हो। रोको उन्हें, तुम क्या हो, एक बड़े बंदे? मैं कोई बड़ा नहीं, मैं एक भोला बच्चा हूँ। मामरू मलेत। कावड़ी अभी तक ऊपर नहीं आई, उसे बचाओ मामरू कुन। प्लीज प्लीज। उधर कोई नहीं है। ठीक है। प्लीज समझो कावरी। हम निकल जाएंगे उनके आते ही। हाँ। धक्का। या धक्का दो। या ये हिल नहीं रहा है, इसको वापस खींचो।
हटना मत दोस्तों। आया चीन अभी भी कुछ नहीं। प्लीज काउरी। प्लीज समझो काउरी, ये बेकार है। अभी खींचो। एक दो। मामोरो। हमें क्या करना चाहिए? हीरो कौन? रुको, हीरो तो नहीं। खींचो। ठीक है। चियोनो अंदर जाओ। क्या ये ऊपर जा रहे हैं? मैंने वो आवाज तब सुनी थी जब वो नीचे गया था। एक मोर्स कोड -D में वो डाउन नीचे था। तो तुमने क्या नॉक किया? क्यों मैं ऊपर? पहली बात, मैंने ये आपके कारण किया पापा, लेकिन अब हम सच में दोस्त हैं। काओरी, मैं समझ गया कि तुम कैसा फील करती हो, लेकिन अगर तुम काउंसिलर चियोनो के खिलाफ गई तो मेरी जॉब चले जाएगी। पापा, आपको क्या ज्यादा पसंद है, मैं या जॉब? वो काउरी आया। मैस 7-1, हार मान भी लो। ए तुम क्या कर रहे थे?
वो जिद्दी है। अच्छा जी, लेकिन किस लिए? वो जवान है ना? क्या? उसको अपने आइडिया पर चलना है, उससे हार नहीं मानेंगे। ये जवानों का सौभाग्य है। ऐसा मत कहो कि ये तुम्हारी दिक्कत नहीं है। हे होंडा। क्या बात है होंडा? कुछ नहीं, माफ करना। यामासाकी-सान, आपने सिर्फ उन्हें अंदर देखा था? हाँ, बस उन्हें। यामासाकी, तुम्हारी बेटी भी तो अंदर है ना? लेकिन हकाइडो किसका इंतजार कर रहा है? शायद हमने जितना सोचा था वो उनसे बेहतर है। उम्मीद है नई जानकारी जल्दी आएगी। फोन की जरूरत है। उनकी फोटोज लीक कर दी। हेलो गाइस, बीच में आने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन ऐसा ही एनिमे हिंदी में देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरडीजे रोहित एनिमे प्रो चैनल को सब्सक्राइब करें। पुराने वाले वीडियो में काफी सारे लोग बोल रहे थे कि हमें नारुतो शिपुडेन को हिंदी में देखना है, तो हमने ऑलरेडी उसके ऊपर वर्क शुरू कर दिया है, लेकिन हम उसको तब जाके अपलोड करेंगे जब इस मूवी पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलेगा और हमारे करीबन 30,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो फटाफट से सब्सक्राइब ठोको। और अगर आप लोग ऑफिशियल हिंदी डब एनिमे देखना चाहते हो तो टेलीग्राम पे क्रंची रोल का ऑफिशियल चैनल क्रंची रोल एनिमे हिंदी को जरूर से ज्वाइन करें, क्योंकि ओवरऑल पूरे टेलीग्राम पे सबसे पहले एनिमे वहां पे ही अपलोड होता है हिंदी में। तो आप लोग मूवी कंटिन्यू करें। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस टिल दिस। जल्द ही मिलते हैं गाइस। सायोनारा। मैंने फैक्ट्री के लोगों के बारे में सुना, क्या ये हमारे स्कूल से है? सच में? बिल्कुल नहीं। ओनी-चान! लेकिन ये लाइन में क्यों? ये पांच बिल्कुल भी मिलते नहीं है। मैं ही हूँ जो इसमें नहीं है। मैंने आपकी बेटी की फोटो नहीं डाली। बढ़िया, इसके साथ पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। उनका सीक्रेट्स और असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। ये जल्द ही टूट जाएगा। क्या ये आराम से होगा? बिल्कुल। खैर, लगता है एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। मैं ओगाटा सोमा के मिडिल क्लास में था, लेकिन वो अलग बंदा लगता था। तुम्हारा मतलब क्या है? उसे बहुत सताया गया और उसने स्कूल बदल लिया। उसके लुक्स के साथ कैसे? उसने बाहर जाने का दिखावा करा ताकि उसको हाई स्कूल में कोई सता ना सके। दिखावा करना कितने दुख की बात है। यादों के स्टिकर्स, अलग बंदा, कितना बेवकूफ है। अगर तुम इतना बड़ा हंगामा नहीं करते, तुम्हारा काला चिट्टा सबके सामने नहीं होता। सोमाकुन। उसका चेहरा देख, ये तो अपने स्कूल का लगता है। तो बहुत बीमार लग रहा है। वो लोग कब तबाह होंगे? कितने बेकार है ना? ये बंदा फैक्ट्री से भी पोस्ट कर रहा है। मैं एक पागल को डेट कर रहा हूँ जो खुद के मजे के लिए बस खेलती है। तुम बस समय बर्बाद करती हो। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए था क्योंकि मैं तुम्हें बचपन से जानता था। मैं भोला था। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मेरी जिंदगी से निकल जाओ। ये यमासाकी कावड़ी के डैड के काम की जगह है,
नहीं क्या कुछ एक्साइटिंग जानना चाहते हो? सुनो एक्साइटिंग जानना चाहते हो? ये 3 साल पहले हुआ। हम ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते। क्या तुम इतनी आसानी से हार मान लोगी? हमारे एम्प्लॉइज को भी जीने की जरूरत है। और फैमिली के बारे में क्या? इतना ज्यादा मत चीखो। क्या तुम्हें ऐसे सर्दी नहीं लग जाएगी? जियोनोसान, उसके डैड एक पॉलिटिशियन है। क्या ये सच है कि लोकल काउंसिलर्स अमीर होते हैं, यहाँ तक कि देहत में भी? जियोनोसान, कल के लिए शुक्रिया। मैं हूँ यामासाकी काओरी, चलो साथ में घर चलते हैं। किसी तरह आजकल वो दोनों बहुत साथ घूमने लगे हैं, है ना? ये कावड़ी है जो उसके करीब रहना चाहती है। जियोनोसान बाकी लोगों को ना नहीं कह सकती। तुम दोबारा यामासाकी कंस्ट्रक्शन से? हाँ, आजकल काम शुरू हो गया है। तुम्हारे पहले कनेक्शन नहीं था, तो अब तुम्हारे पास कहाँ से आए? कावड़ी, आजकल तुम हमें अनदेखा कर रही हो, है ना? तुमने हमें छोड़ के जियोनो को चुना। क्या ऐसा नहीं है? क्या ऐसा नहीं है? बेचारी लड़की और फालतू नहीं हो सकती। मैं बस उसके साथ हूँ। ये दिखावा करना बिल्कुल आसान नहीं है कि वो मेरे दोस्त है। आया, ऐसा नहीं है। यामासाकी-सान, ये बुरा है। उधर नीचे ऑर्डर ऊपर से आए हैं, उनके पास कोई और चारा नहीं। वो गुस्से में, क्या वो जनता से नहीं डरते? आना मना है, पीछे हटो। मैंने भी होकाइडो पुलिस से बात की है, खेल खत्म हुआ। शुक्रिया। बुढ़े आदमी के पीछे इसलिए मैं पुलिस के इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। उसके लिए मेरे को बनाना, वो पागल लड़की। ठीक है, अंदर मत आना। क्या तुम तैयार हो छोटे बच्चे? सब लोग जल्दी करो। अकुत्सु-सान, तुम भी चलो। मोमो-चिन, कमीने। वो भाग नहीं सकते, अगर हम साथ काम करेंगे तो उन्हें पकड़ सकते हैं। बाहर के लोगों को बोलो कि वो क्रशर्स दूसरी साइड ले जाएं। उनकी जवानी का खेल अब खत्म हुआ, जो उन्होंने किया है उन्हें उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। ये सब क्यों हो रहा है बला? वो क्या है?
किसान रोक दोस्त है। वो क्या था? माय डसन लावा का दहर बह रहा है, ये अभी जारी रखना, खतरनाक होगा। बॉस ने कहा है दोबारा करटे फोन के निकलते ही। अभी पीछे हट जाओ, ये अंत है। लेकिन अगर हमने जल्दी की और चीजें बुरी हो गई तो जिम्मेदारी कौन लेगा? ये एक ऑर्डर है और हमें कुछ भी हो जाए ये करना होगा। पीछे हट जाओ, रुको जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता। क्या तुम मेरे को सुन रहे हो? ऐसा मत सोचना तुम बच गए। जब ये बारिश रुकेगी तब ये खत्म होगा। तैयार रहना। हम सभी बेवकूफ हैं। हम जानते थे कि वो सब हो जाएगा। हम खुद को कुछ ज्यादा ही समझ रहे हैं। हे तुम, अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो बस कह दो। अब इसका क्या फायदा? हम अब वो लोग हैं जिनकी पोल अब खुल चुकी है। तुम दोनों, ये समय नहीं है कि हम आपस में मैं जो भी देख रहा हूँ वो सब झूठ है। हमारे बीच के जो रिश्ते थे वो सब बेकार हैं। नहीं, मैं तो शुरू से ये सब करने के खिलाफ था ना। हफ्ता होने वाला है, इतनी मेहनत के बाद भी कुछ भी नहीं बदला है। चुप कर जाओ और अपने मॉम डैड की सुनो। अभी यही एक अच्छी चॉइस होगी। चियोनो, तो फिर किसी के पीठ पीछे कुछ मत बोलो बेहुदा। तो क्या तुमने अपने बारे में कुछ बताया है अब तक? तुम बस इसे तुम्हारे लिए मुश्किल बना रहे हो। तुम बस फिट होना चाहते हो इसलिए तुमने खुद से झूठ बोला। तुम जानते हो तुम कितने दुखी हो और तुम्हारे जैसा कोई नहीं बनना चाहता। अबे क्या कहा तूने? सो मां रुको, हट जाओ, हट जाओ, हटो। हां तो रुको, तुम भी चुप करो। ये सब कुछ तुम्हारी गलती है क्योंकि तुम मुझे दिखा दिया था उस दिन। तुम नहीं होते तो तुम्हारे साथ ये कुछ भी नहीं होता। हम पूरा हफ्ता बिता देते, हम एक दूसरे को जानते ही कितना थे। सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ। मैं यहां नहीं रहना चाहता। Thank you.
मैं हमेशा वैसे ही जिया जैसे मॉम डैड चाहते थे। मुझे परफेक्ट होना पसंद नहीं क्योंकि सारे रूल्स निभाना होता है, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। माफ कर देना, दिल से माफी चाहूंगा, माफ कर दो सोमा। मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हारा अतीत क्या है, चलो साथ बेसबॉल की प्रैक्टिस करें, मैं बहुत खुश हूं। जिम्मेदारी लेना ए बेवकूफ। ये कैसा मजेदार मूड है। सबकी फीलिंग्स को सुनने के बाद क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि हमारे लिए देर हो गई है? माफ करना मुझे, ये हमारी शुरुआत है। मैं अभी बिहार नहीं आई हूँ। आज जिन ने बोला था कि वो नहीं जाना चाहता है, लेकिन सच कहूँ तो मैं हमेशा तुमसे टोक्यो के लिए जल्दी रहती थी। वो क्या था, छोटी बच्ची हो क्या? तो यहाँ आने के बाद मेरा शायद वजह बढ़ गया है। जो मैं बुक्स में पढ़ता हूँ वो हमेशा एडवेंचर स्टोरीज होती है। मेरे डैड विग पहनते हैं। क्या ही मैंने सही किया? हाँ, खैर थोड़ा बुरे हो। उन्होंने शायद अंदर क्रेन का इस्तेमाल किया, सामने का होटल बंद है। मैंने सोचा वो शांत होने के बाद सिलेंडर कर देंगे। क्रशर यहाँ है और हम अपना दूसरा होल बनाने लगेंगे हमारे प्लान के मुताबिक। ठीक है, बहुत बड़ा होल बनाना। होंडा, क्या कुछ है जो तुम मुझसे कहना चाहते हो? नहीं, मैं बस सोच रहा था यहाँ उसका सामना करने का अंत होगा। इससे पहले कि मैं जानता, मैं उनमें से थोड़ा पहले खुद को देखा। तुम्हारी उम्र में कैसी बातें कर रहे हो? ये कुछ नहीं, मेरे खिलाफ खड़े होने के सिवा। जो अपने बड़ों का कहना नहीं मानते उनका कोई फ्यूचर नहीं होता, ये बात मत भूलना। तबाह करो। क्या तुम्हें यकीन है कि ये ठीक होगा? ये बिल्कुल साइंस क्लास के एक्सपेरिमेंट जैसा है, तो शायद मामा जी सच में जीनियस है। बच्चों को कम मत समझना। इसी तरह वो थोड़े गुल लग रहे हैं। मजाक मत करो, सपने देखना बंद करो और उसे पकड़ो। आसमान में होंडा, तुम निकाल दिए गए हो। तुम्हारा सिक्योरिटी बनना, बस निकाल दो मेरे को होंडा। आखिरकार मैं इस जॉब के लिए सही नहीं। बिल्कुल, मैं अब खुद से झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे को दूसरों से घंटा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एक पाखंडी है, बेलो इस पाखंडी को। मैंने कहा तुम्हारी मजाक बंद करो। हमने तुम्हें बोला है कोई अत्याचार नहीं। ये लो, सब रुक जाओ, मैं हूँ जियो।
है तुम? ये ठीक है ना? वो इसी के लायक है। और वो नहीं पता। प्लीज रुक जाओ। तो गैम्बेटा ने नेदर बलून्स यूज करे, पर्शियन आर्मी के घेराबंदी से बचने के लिए उन्होंने बलून्स यूज करे। तो मामोरू सेंसेई, अगले क्लास के लिए छोड़ दो ना प्लीज। कितना सुंदर नजारा है। हाँ, मैंने पहली बार सातोरु चो को ऐसे देखा है। ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है मामोरू की तरफ से। हे, शुक्रिया मामोरू-कुन। मैं कभी भी इस कैंप के बारे में नहीं भूलूंगी। इसको कैंप कहना? युद्ध? समय हो गया। हे, वन टू चियोनो-सान, हैप्पी बर्थडे। अब घर जाके चीट जरूर देना। कितनी ठंड है। अमा सुद्रासान, तुम काफी लेट हो। क्या ये वो है? नहीं, वो एक दादी माँ जैसी है। हाँ, क्या तुम ही मामोरू-कुन हो? हाँ? तुमसे मिलके अच्छा लगा। मैं हूँ तमा सुदारे। अबे वो दादा माँ कहाँ है? मैलेट। मैलेट? डैड। माँ। मैलेट। मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं खुश हूँ। तो ये कैसा रहा तुम्हारा एडवेंचर? हाँ, ये मजेदार था। क्या तुमने इजहार किया? जी बिल्कुल। बढ़िया है। ज्यादा जरूरी चीज है तुमने कब दिखाया, रिजल्ट्स नहीं। मामोरू-कुन, भले ही मेरे जाने के बाद, मैं वो कभी नहीं भूलूंगी जो हिम्मत मुझे तुमने दी। मामोरू-कुन, शायद समय हो गया है मैं बिना भागे मेरे डैड से बात करूं। शुक्रिया। लेकिन मुश्किल से हिस्सा तो आने वाला था। मॉम, डैड, स्कूल, पुलिस, इन सब को क्या बोलेंगे? हमें सफाई देनी होगी। तुम उसके बिल्कुल चिंता मत करो। यह हमेशा कोई न कोई जीने का तरीका होता है। तुम्हें इस पर पूरा यकीन है? मुझे है, मेरे निजी अनुभव से। तुम्हारा मतलब क्या है आखिर? ये एक सीक्रेट है। तो ख्याल रखना। प्लीज हमें कांटेक्ट करना। हाँ, सच में शुक्रिया। मैं तुम सबको हमेशा याद रखूंगा। ख्याल रखना। बाय बाय, गुड बाय। फिर मिलेंगे। मैं अपना होमवर्क फैक्ट्री में ही भूल गया। तुम सच में यहाँ पे भी अपना होमवर्क लाए थे? क्या तुम स्मार्ट नहीं? कोई आइडिया नहीं सोच सकते? वो क्या था? मैलेट? है? वो लड़की है? hey, तुम क्या बात कर रहे हो? है, बिल्कुल नहीं। फिर मिलूंगी।